दोस्तों, भारत सरकार पिछले कई सालों से व्यापार घाटा कम करने का प्रयास कर रही है, परंतु इसके लिए निर्यात का बढ़ना बेहद जरूरी है। लेकिन अब इस दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारत ने चालू वित्त वर्ष के लिए $400 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा था, लेकिन चालू वित्त वर्ष अभी समाप्त भी नहीं हुआ और इस लक्ष्य को हासिल किया जा चुका है। जी हाँ, भारत ने $400 बिलियन का निर्यात करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह $400 बिलियन का रिकॉर्ड तोड़ निर्यात वर्ल्ड बैंक के उस पूर्वानुमान की पुष्टि करता है, जिसमें वर्ल्ड बैंक के तरफ से ये कहा गया था कि भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के साथ तीन बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इस $400 बिलियन के निर्यात से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भारत की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत की कैसे तारीफ कर रही है और पाकिस्तान को कैसे कोस रही है, आइए देखते हैं। वो बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, मैं ये समझती हूँ। और वो सक्सेस इस तरीके से है कि भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। $400 बिलियन जो है बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसमें इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ $400 बिलियन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव इट्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। और मज़े की बात यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपने एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो $292 बिलियन था, और इस साल $400 बिलियन। देख कितना बड़ा जंप लगाया है। और इसमें ये भी बात है कि ये नहीं है कि IT की जो है प्रोडक्ट्स हों या इस तरह से, नो, ये जो $400 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं ये टेंजिबल गुड्स हैं जो वो थ्रू कोरियर भेजते हैं पूरी दुनिया में। मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ये, इसमें IT की प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई वो नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जो नेबर हैं वो इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपसे आगे हो तो अच्छी बात है, मुकाबले की फ़जा तो बहुत अच्छी होती है। हमें भी जो है मुकाबले में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि उनके जो ये इरा है, उनके जो 3-4 साल हैं इसमें एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अब कितनी बढ़ी हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं थोड़ी सी और फिर हम कोई तवज्जो नहीं देते। हम देख लें ना किस किस्म के कामों में हम फंसे हुए और कहाँ हम, तो हमारी एक्सपोर्ट्स इसी को आप देख लें, जिस तरह मैंने बात की ट्रेड की, तिजारत की, कि वो दोनों कंट्रीज़ कितने एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं, वो अपनी ट्रेड जारी रखे हुए, लेकिन हमने अपनी ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दी। हमने नहीं कि हम इतने बड़े चौधरी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इसको क्या करना चाहिए कि हम कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे भाई, ये इन्होंने किया हमारे साथ, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे वगैरह, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ये सब जो है ये अब हमें पता चल जाएगा अगले कुछ दिनों में। अगर इंडिया जो है उनकी जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो $400 अरब पे पहुंच गई है और पाकिस्तान की ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो $32 बिलियन पे है। अब देखिए कि उन हमने किस तरह अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को और फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि अब दुनिया के जब ये कहते हैं कि हमने जो है वो बाहर से साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं, तो जारी बात है यूरोपियन ब्लॉक की बात होती है, इंग्लैंड की बात होती है और अमेरिका की बात होती है और यही हमारी एक्सपोर्ट जाती है। आप क्या समझते हैं ये $32 अरब से भी हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी अगर इसी तरह मामला जो है इन्होंने वेस्ट के साथ लड़ाई की, जरा इसको भी काइंडली इस पर जरा तफसील। सबसे पहले तो चीमा साहब इस चीज को डिफाइन करना चाहूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन फॉरेन पॉलिसी आपकी है क्या? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आई कि आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या। आप यकलत आप चाइना गए हैं, आपको उन्होंने वहां पर सिर्फ ओलंपिक के लिए बुलाया था और आप भागकर आपने इंप्रेशन ये दिया कि बायलैटरल ट्रिप है, आप भागकर वहां चले गए, वहां मिंतन तरले और थर्ड लेवल का जो डिप्लोमेट भेज के आपको एयरपोर्ट पर रिसीव किया और उसके बाद आपने मिलते समाजते करके वहीं से चाइना की आप रशिया उस वक्त चले गए जब मेरा ख्याल है पुतिन खुद हैरान होगा कि यार इनको कोई समझाने वाला नहीं है, मैं हालते जंग में हूं, मैं अटैक कर रहा हूं और ये बंदे यहां पैसे मांगने आ गए। मेरा मैं खुद हैरान हो गया, वो यार क्या कि ये कितने बड़े फकीर हैं, ये कितने प्रोफेशनल फकीर हैं ये,
वो रशियन हंसते होंगे बैठ के कि अलेमान अलेमान यार ये कितने बड़े भिखारी हैं ये, कि दुनिया जल रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रही है, हम मार रहे हैं और ये पैसे मांगने आ गए, ये हालात देखो ना कितने प्रोफेशनल फकीर हैं। मैं खुद कई दफा हैरान होता कि इनको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई इनकी मोरालिटी नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं उस वक्त के जो सिटिंग ISI हेड थे जनरल फैज साहब, उन्होंने खुद कहा था कि अमेरिका ने हमसे अड्डे नहीं मांगे। उसके बाद इनके जो NSA है उन्होंने भी कई दफा कहा कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे, तो पता नहीं खान साहब ने जोशे खिताबत में किसको कह दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट। हालांकि खान साहब हर काम वो कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता है, आपके फजाई हदूद भी वो यूज कर रहा है अमेरिका, और उसके बाद वो अमेरिका जाहिर है अल्टीमेटली चाहता होगा कि CPAC को बंद किया जाए, आपने वो भी बंद कर दिया। तो आप, मेरा मकसद है आप, और उसके बाद आप IMF के भी कदमों में पड़े हैं, आपने किसी गवर्नमेंट ने आज तक इस चीज की जरूरत नहीं की कि वो लेजिस्लेशन करके सारा कुछ IMF और वर्ल्ड बैंक को दे दें, आप तो उस एक्सट्रीम पर चले गए। तो इसमें आप मेरे ख्याल में इन सर्कमस्टांसिस में कौन सा मुल्क होगा जिससे आपको खतरा हो? और दूसरा, इस वक्त अंडर जो सर्कमस्टांसिस है यूक्रेन में, और दूसरा इस वक्त ताइवान, और दूसरा कोविड, और उसके बाद महंगाई, उसके बाद क्रूड ऑयल की प्राइसेस, तो आप क्या समझते हैं कि दूसरे ममालक के पास इतनी एनर्जी है कि वो आप जैसे एक कंट्री के ऊपर वो वेस्ट करें? क्योंकि आप इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी तरफ से दुनिया को कोई खतरा नहीं है, आपको अपने आप से खतरा जरूर है, लेकिन दुनिया को आप उनको ना कुछ दे सकते हैं ना ले सकते हैं। उसकी वजह यह है, एक्सपोर्ट आपने खुद बता दी, आप खुद सोचें एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में क्या है? आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं लेकिन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं लेकिन आप चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मकसद है, आपका आपकी फाउंडेशन ही मौजूद नहीं है, आपके कोई बेस ही नहीं है किसी किस्म की, सिर्फ आप एक चीज में एक्सपर्ट हैं कि डबल गेम खेली जाए, उसके बाद ये कि पैसा यहां से बाहर किस तरह भेजा जाए, करप्शन में आप देखें आपके तो नंबर ही खत्म हो रहे हैं, 140 नंबर है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक खान साहब की गवर्नमेंट जाएगी आप पूरा ग्राफ चेंज, आप सबसे नीचे चले जाएंगे जिस हालात से चल रहे हैं। इस वक्त भी आपका कंपैरिजन किया जाता है तो अफगानिस्तान और नाइजर के साथ किया जाता है, और आप दूसरी तरफ आपने भारत के साथ, मेरे ख्याल में आपके पास नो मॉरल पोजीशन कि आप भारत के साथ अपने आप को कंपेयर करें। आपको कंपेयर तो करना चाहिए, करें तो बांग्लादेश से भी आप नहीं कर सकते आपने आपको कंपेयर, आप तो बिल्कुल इस वक्त अफगानिस्तान वाली सूरत हाल है। आप बात कर रहे हैं, मैं इस दफा पाकिस्तान गया हूं, आप जरा इस्लामाबाद से निकल कर गुजर खान तक जाने की कोशिश करें GT रोड पर, तो बिल्कुल अफगानिस्तान से भी बदतरीन हालात है उस सड़क के। तो अगर देखा जाए तो आपके पास है क्या दुनिया को देने के लिए? आप सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड खेल रहे हैं मुसलसल कि भारत की दुश्मनी में आप चाइना को आप कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि चाइना ने आज तक कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिससे उनकी इकॉनमी खराब हो, और चाइना कभी भी भारत को एज ए कस्टमर लूज नहीं कर सकता, चाइना अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज नहीं कर सकता।